नमस्कार दोस्तों, स्वागत 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 आप सभी लोगों का। माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से थोड़े टेक्निकल इश्यू के लिए। चलिए आ चुके हैं हम क्लास में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दीपशिका जी, अर्चना जी, दीपशिका, हंसराज, अतुल कुमार जी को, हंसराज जी को, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग और बहुत बहुत माफ़ी हमारी तरफ से कि थोड़े से टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हो चुकी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से फटाफट और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी लोग हैं क्लास से जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही जल्द 9 और 10 तारीख को आप लोगों का UPCHO का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए स्पेशल मैराथन क्लास लगवाई गई है भी आपके लिए। ठीक है ना, स्पेशल मैराथन क्लास है। प्रिया जी, अनूप जी, आरू जी, नूरी गोयल जी को, कंचन जी को, दीक्षा, राधिका, लोकेश, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग। जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से फटाफट और क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिए क्लास के लिंक को ताकि सभी लोग फटाफट जुड़ पाएँ। जैसा कि आप लोगों को पता है आपका 9 और 10 तारीख को, ठीक है ना, 9 एंड 10 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है UPCHO का, तो उसके लिए स्पेशल आपकी मैराथन क्लास लगवाई गई है। तो सब लोग अपनी कमर टाइट कर लीजिए, ठीक है ना, कमर टाइट करके और हाथ पांव बांध के बैठ जाइए और फटाफट से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे सभी लोग सही जवाब देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम क्लास को शुरू करेंगे इसी के साथ। और आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर कि आप लोग हमारे टेक्स्ट बुक लाइव ऐप पे जाके, यदि कोई लोग आप में से UPPSC की भी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए आप लोग जाके हमारा 1499 रुपये का कोर्स भी ले सकते हैं ऐप से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं हम। क्लास शुरू की जा रही है और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर्स कंटेन स्ट्रक्चर कंटेन पैक सेल्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इंटेस्टाइन या स्टमक। स्पेशल OBG स्पेशल क्लास है भैया आप लोगों के लिए, OBG स्पेशल क्लास लगवाई गई है आप लोगों के लिए। तो बताइए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन पैक सेल्स। पैक सेल्स कौन सी स्ट्रक्चर में होती है? ए फेलोपियन ट्यूब, बी यूट्रस, सी इंटेस्टाइन या डी स्टमक, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं मेरे पास, आंसर आ रहे हैं, अतुल जी बोल रहे हैं सी, बाकी सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है मेरे पास, बाकी सभी लोगों का, दीक्षा, लक्ष्य, गुड़िया जी, दीपशिका जी, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो अतुल जी आप अपने आंसर को सही कीजिएगा। आपका राइट आंसर इसका क्या है? फेलोपियन ट्यूब। आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको पैक सेल्स देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या है आपका? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर आपको पैक सेल्स देखने को मिल सकती है। बिल्कुल हंसराज जी, ए को लॉक कर दिया है हमने, ए का आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, जिस जिसका भी 9-10 को एग्जाम है उनके लिए स्पेशल क्लास है भैया, ये मिस मत कीजिएगा क्लास को बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज डिफाइंड एज इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन या सुपरफिटेशन, बताइए। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज डिफाइंड एज, जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है यदि वो रप्चर हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने। वेरी गुड इवनिंग मार्कंडे जी, ऋषि जी आ चुके हैं, ऋषि मार्कंडे, ठीक है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सी आंसर आ रहा है मेरे पास, अलका जी बोल रही हैं बी, बी और सी में मिक्स आंसर आ रहा है भैया, बताइए। चलिए ओव्यूलेशन बोल रहे हैं आप लोग ज़्यादातर लोगों का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? सी ओव्यूलेशन आ रहा है, तो क्या ओव्यूलेशन इसका राइट आंसर है?
चलिए, जब आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं मेरे को, तो मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर सी ओव्यूलेशन ही सही मानूंगा। राइट आंसर क्या है इसका आपका? C4 ओव्यूलेशन, ठीक है ना। सी ओव्यूलेशन इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जो आपका जाइगोट होता है, जो आपका जाइगोट व्हेन अटैच, जाइगोट व्हेन अटैच टू यूट्राइन वॉल, जब आपका जाइगोट जो है जो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है, उसको तो हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। जबकि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना। स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। और सुपरफिटेशन आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, जिसका मतलब क्या होता है आपका कि आपका एक ओवम कितने? दो स्पर्म से यदि फर्टिलाइज हो जाता है, एक ओवम दो स्पर्म से यदि फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसको सुपरफिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली आप लोगों को इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। Which of the following is the thickest layer of uterus? Endometrium, myometrium, ectometrium या perimetrium? बताइए इनमें से कौन सी है जो आपकी thickest layer कहलाती है? Thickest layer of uterus, endometrium, myometrium, ectometrium या perimetrium? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट कीजिए सभी लोग, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है भैया, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका भी भला हो, औरों का भी भला हो और हमारा भी भला हो। चलिए, बी आंसर आ रहा है मेरे पास, मायोमेट्रियम। क्या मायोमेट्रियम राइट आंसर है? चलिए लॉक कर दिया जाए मायोमेट्रियम को। बिल्कुल, दीपशिका जी ने बोल दिया है कि सर आप मायोमेट्रियम को 100% लॉक कर सकते हैं, तो राइट आंसर भी क्या है इसका आपका? मायोमेट्रियम, ठीक है ना। जो मायोमेट्रियम होती है ये आपकी थिकेस्ट लेयर कहलाती है, ठीक है ना। मायो मिडिल, ठीक है ना, और एंडो इनर, एंडो इनर, मायो मिडिल और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली आउटर। कितनी लेयर होती है यूट्रस की? तीन लेयर होती है, पेरीमेट्रियम आउटर, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। और ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है ये आपकी प्रेगनेंसी के टाइम किस में बदल जाती है? प्रेगनेंसी के टाइम बदल जाती है डेसीडुआ के अंदर, ठीक है ना। जो आपकी एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी किसको बोला जाता है? डेसीडुआ को। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्लिटोरिस इन फीमेल इज होमोलोगस टू मेल, ठीक है ना। पिनाइल यूरेथ्रा, स्क्रॉटम, ग्लैंड पेनिस या प्रोस्टेट ग्लैंड, बताइए। क्लिटोरिस इन फीमेल इज होमोलोगस टू मेल, पिनाइल यूरेथ्रा, स्क्रॉटम, ग्लैंड पेनिस या प्रोस्टेट ग्लैंड? ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने अवेलेबल है। और फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सबके कमेंट आने चाहिए भैया। चलिए, आरू जी का कमेंट आ चुका है, आरू जी बी बोल रही हैं, ठीक है ना। को काफ़ी लोगों के बी ऑप्शन आ रहा है, तो कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। पिनाइल यूरेथ्रा, स्क्रॉटम, ग्लैंड पेनिस या प्रोस्टेट ग्लैंड, चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। चलिए, सी आंसर आ रहा है मेरे पास, सी आंसर आ रहा है आप लोगों की तरफ से। तो क्या ग्लैंड पेनिस इसका राइट आंसर है? ठीक है ना, बी गलती से हो गया आंसर आज जी, कोई बात नहीं, गलती से हुआ है चाहे बिना गलती से हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे एग्जाम में ये गलती नहीं देखी जाएगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या है इसका? ग्लैंड पेनिस। जो आपका ग्लैंड पेनिस होता है ना, वो किसके होमोलोगस होता है? जो फीमेल के अंदर क्लिटोरिस होती है, वो मेल के अंदर ग्लैंड पेनिस बनता है, यानी कि फीमेल में बनेगी यदि उसी स्ट्रक्चर से क्या बनेगी आपकी क्लिटोरिस, और मेल में बनेगा ग्लैंड पेनिस। देखिए इसको और थोड़ा सा क्लियरली देखिए,
ठीक है ना। ये आ गया देखिए आप लोगों के सामने, जो आपकी लेबिया मेजोरा होती है ना, लेबिया मेजोरा वो किसके होमोलोगस होती है, स्क्रॉटम के, ठीक है ना। और लेबिया माइनोरा जो होती है वो होती है आपकी पिनाइल यूरेथ्रा के, ठीक है ना। इसी तरह से क्लिटोरिस आपका ग्लांस मैनिस, बार्थोलिन ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, और स्किनीज ग्लैंड होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के, ठीक है ना। तो चारों पांचों चीज आ चुकी है आप लोगों के सामने, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, बार्थोलिन ग्लैंड और स्किनीज ग्लैंड, ठीक है ना। चारों पांचों चीजें आप लोगों को पता चल चुकी है। और इसी तरह का क्वेश्चन एक बार आपका शायद यूपी या एमपीसीएचओ में भी पूछा गया था, ठीक है ना। इसलिए मैं स्पेशली ये क्वेश्चन उठा के लाया हूं कि यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए वापस तो आप लोग करेक्ट आंसर दे। इसको भाई इस डब्बे को बना के अच्छे से लिख लेना, इस नॉलेज को अच्छे से कहीं पे लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्रोटॉम प्लेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म या नॉन ऑफ द अबव, बताइए। चलिए हंसराज जी को सारी चीजें क्लियर है तो हंसराज जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि नेफ्रोटॉम प्लेट, जो आपकी नेफ्रोटॉम प्लेट होती है वो किससे डेवलप होती है, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से या आपकी नन ऑफ दी अबव से, ठीक है ना। नन ऑफ दी अबव भी कई बार कंफ्यूज करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए ए आंसर आ रहा है मेरे पास अर्चना जी का, पूजा, एलसी यादव जी, सपना जी, सौम्या जी, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है। एंडोडर्म क्या राइट आंसर है, हम नेफ्रोटॉम प्लेट पूछ रहे हैं, कौन सी प्लेट पूछ रहे हैं, नेफ्रोटॉम प्लेट। अरे खाने की प्लेट मत समझ लेना, कहीं खाना खाने लग जाओ इसमें, ये आपकी नेफ्रोटॉम प्लेट होती है जिससे आपकी क्या डेवलप होती है, आपकी किडनी डेवलप होती है, ठीक है ना। किडनी जो होती है वो किससे डेवलप होती है, नेफ्रोटॉम प्लेट से। और जो आपकी नेफ्रोटॉम प्लेट है, एक ने भी, सिर्फ एक ने आंसर सही दिया था, राइट आंसर क्या है आपकी, सी मीजोडर्म, ठीक है ना। जो आपकी मीजोडर्म होती है वो क्या डेवलप करती है, आपकी नेफ्रोटॉम प्लेट, या आप उसको किडनी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। किडनी या नेफ्रोटॉम प्लेट किससे डेवलप होगी, आपकी मीजोडर्म से, राइट आंसर क्या है, सी। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए फिर सभी लोग, सी कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, राइट आंसर कमेंट कर दीजिए कि राइट आंसर सी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आना चाहिए एक बार सी, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि सी आपका राइट आंसर है। चलिए कंचन जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने राइट आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, GFR ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इंक्रीज बाय लेवल ऑफ 100 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, 150 ml पर मिनट या 180 ml पर मिनट, बताइए। जब नॉर्मल GFR भी बतानी है और GFR ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बतानी है, दोनों चीजों का सही आंसर देना है आपको। GFR नॉर्मल GFR कितनी होती है और GFR ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी कितनी होती है, ठीक है ना। अर्चना जी काफी सोच विचार कर रही है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नॉर्मल GFR कितनी होती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे GFR कितनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़िया। चलिए डी आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। मार्कंडे जी बोल रहे हैं सर सी 150 ml होगा, ठीक है, और बताइए। डी आंसर आ रहा है मेरे पास, 18 या 180, चलिए बहुत बढ़िया। अमित जी के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, ठीक है ना। अमित जी आप बहुत सही जवाब देते हैं डेली क्लासेस में, ठीक है ना। इस मेहनत को इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है आपका, 180 ml पर मिनट, ठीक है ना, 180 ml पर मिनट आपका राइट आंसर है। और सभी लोगों का आंसर सही था, सिर्फ और सिर्फ हरिओम जी को छोड़ के, ठीक है ना।
देखिए जो नॉर्मल जीएफआर होती है ना वो होती है आपकी 125 ml पर मिनट, और प्रेगनेंसी में ये जो प्रेगनेंसी में आपकी कितनी बढ़ जाती है, ये लगभग आपकी 50% बढ़ जाती है। जो नॉर्मल होती है ना उसका 50% बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल 125 तो इसका 50% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 60 ml, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 180 ml पर मिनट। ठीक है ना, कितनी बढ़ जाती है 180 ml पर मिनट तक बढ़ जाती है। नॉर्मल 125, प्रेगनेंसी में 50% बढ़ेगी, तो 50% का 125 का 50 निकालोगे तो 60 ml, और 180 ml पर मिनट आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो दोनों तरह से डायरेक्ट याद रखो या 50% से याद रखो, आपकी इच्छा है। ठीक है ना, जैसी आपकी श्रद्धा। अगला क्वेश्चन देखिए, Which can be most probably caused by hypothyroidism during pregnancy? IUGR, LBW, abortion या intrauterine death? Which can be most probably caused by hypothyroidism? Hypothyroidism यदि हो जाए pregnancy के अंदर तो उसकी वजह से most probable क्या हो सकता है? IUGR हो सकता है, LBW हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, या इंट्रायूटराइन डेथ आपको देखने को मिल सकती है। चलिए कमेंट कीजिए, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए भैया, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, इस तरह से ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा ना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। तो बताइए IUGR आ रहा है मेरे पास आंसर, प्रियंका जी बोल रही है सर अबॉर्शन होगा, मिक्स आंसर आ रहा है भैया, ए डी सी सारे ही आंसर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं कि IUGR होगा, इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। क्या होता है IUGR? इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है ना, LBW आपका वही लो बर्थ वेट। ठीक है ना, लो बर्थ वेट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बिल्कुल जिन्होंने भी ए कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि राइट आंसर क्या है इसका? अबॉर्शन। राइट आंसर क्या है इसका? अबॉर्शन होता है। यदि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, तो आपको अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, ना कि इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। डायरेक्ट अबॉर्शन होता है, ना कि इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या है आपका? अबॉर्शन। ठीक है ना, चलिए सभी लोग सी कमेंट कर दीजिए एक बार फटाफट से, सी कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया सभी लोगों का, ऋचा जी, सुभाष जी, ठीक है ना, आप लोगों ने राइट कमेंट कर दिया है कि बिल्कुल हमारी कोचिंग ऑनलाइन चलती है, आप लोगों के सामने ही चलती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं चलेगी, बिल्कुल आप लोगों के सामने चलेगी और यहीं पे ही चलेगी। ठीक है ना, डेली शाम को 5 बजे जुड़ जाइए कहिए इसी तरह से। राइट आंसर इसका अबॉर्शन कहलाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पोजिशन। आपके सामने एक पोजीशन है, इस पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए भैया, और एक का भी गलत नहीं आना चाहिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी 100 हमारे 100 से ऊपर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, दमादम कमेंट करना चालू कर दीजिए कि ये पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाती है आपकी। बहुत बढ़िया, चलिए पोजीशन आ चुकी है आप लोगों के सामने, पोजीशन आ चुकी है, थोड़ी हल्की सी धुंधली दिख रही होगी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की नज़र चील की नज़र है। ठीक है ना, 100 किलोमीटर दूर से भी पहचान जाओगे। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या है इसका आपका? चलिए सभी लोगों ने कमेंट करके मेरे को राइट आंसर बता दिया है कि ये पोजीशन आपकी लिथोटॉमी पोजीशन कहलाती है, जो कि आपकी कब दी जाती है? लेबर के टाइम, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर आपको लिथोटॉमी पोजीशन दी जाएगी, और इस तरह से दी जाएगी। ठीक है ना,
बिल्कुल निखिल जी, आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, और यदि आपको किसी तरह की और क्वेरी है तो आप फटाफट से जाइए और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और आपके जो सपोर्ट स्टाफ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी है आप लोगों के लिए तो वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। हल्की धुंधली दिख रही है, कोई बात नहीं भैया, आंसर तो सबका सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर मैक्रोसोमिया इज बर्थ वेट 2.5 केजी, 2.8, 3.5 या यहाँ पे मोर देन लगा लेना भैया, मोर देन लगा लेना सबके आगे, कि बेस्ट सुटेबल एग्जांपल, बेस्ट सुटेबल सॉरी एक्सप्लेनेशन फॉर मैक्रोसोमिया क्या होता है आपका, मोर देन 2.5 केजी, 2.8 केजी, 3.5 केजी या मोर देन 4.0 केजी, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां होने चाहिए भाई, ताली का इमोजी डाल दो सब और तालियां बजा दो, ठीक है ना, क्योंकि सभी का आंसर इसका सही है। राइट आंसर क्या है इसका आपका, 4.0 केजी। यदि बच्चे का वेट 4 किलो से ज्यादा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैक्रोसोमिया कहलाएगा, जबकि आपका 2.5 केजी क्या होता है, एवरेज बर्थ वेट होता है, एवरेज बर्थ वेट इन इंडिया, कहां पे, इंडिया के अंदर एवरेज बर्थ वेट कितना होगा आपका 2.5 केजी, जबकि 2.8 केजी क्या होता है आपका, एवरेज बर्थ वेट, ठीक है ना। इंडिया के अंदर एवरेज बर्थ वेट पूछ ले तो 2.5 केजी, और ओवरऑल एवरेज बर्थ वेट पूछ ले तो आपका 2.8 केजी, और 4 किलो से ज्यादा का है तो मैक्रोसोमिया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और सभी लोगों का लिए जोरदार अभिनंदन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वन टेबल स्पून ऑफ रेगुलर सॉल्ट कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ओएडीन आयोडीन, 0.2 mg, 0.5 mg, 0.4 mg या 0.3 mg, बताइए। वन टेबल स्पून ऑफ रेगुलर सॉल्ट कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ आयोडीन, कितना आयोडीन होता है एक टेबल स्पून सॉल्ट के अंदर, 0.2, 0.5, 0.4 या 0.3, कमेंट कीजिए फटाफट से सभी लोग आंसर, फटाफट से सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है मेरे पास, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं, इसका मिक्स आंसर आ रहा है भैया, इसका आंसर थोड़ा सा मिक्स आ रहा है, क्लियर कीजिए अपने आंसर को। बी ज्यादा आंसर आ रहा है मेरे पास, क्या बी इसका राइट आंसर है, क्या बी इसका राइट आंसर है। अतुल जी अभी भी ए के लिए बोल रहे हैं, बोले नहीं सर बाकी सब गलत है, राइट आंसर क्या है, ए आपका 0.2 mg राइट आंसर नहीं है भैया, और ना ही आपका 0.5 mg है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या है, 0.4 mg, एक टेबल स्पून में कितना होता है आपका आयोडीन, 0.4 mg होता है, ठीक है ना, जबकि डेली एडल्ट रिक्वायरमेंट, डेली एडल्ट रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एडल्ट रिक्वायरमेंट आपकी कितनी होगी, 0.2 mg, जबकि प्रेगनेंसी में डेली रिक्वायरमेंट कितनी हो जाती है, प्रेगनेंसी में डेली रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है 0.5 mg, ठीक है ना। तो एक टेबल स्पून के अंदर कितना होता है, 0.4 mg, जबकि डेली रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है एडल्ट के लिए, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 0.2 mg, और प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है आपकी, 0.5 mg तक, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप लोगों को पता चल चुका है कि एक टेबल स्पून में 0.4 नॉर्मल एडल्ट, 0.2 mg पर डे, और
नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल 0.5 mg पर डे, ठीक है ना। और ये जो आयोडीन होता है ये आपका जाके क्या करवाता है, थायरोक्सिन का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है, थायरोक्सिन का। और यही थायरोक्सिन आपका क्या करता है, स्केलेटल को मैच्योर करता है। किसको मैच्योर करेगा, स्केलेटल को मैच्योर करेगा। तो यदि कोई फीमेल है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सॉल्ट को अवॉइड कर रही है या उसको नमक खाना अच्छा नहीं लगता, तो उसको जबरदस्ती नमक खिलाइए भैया एक चम्मच तो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो बच्चा कमजोर रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए हंसु जी को बहुत बहुत गुड इवनिंग मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस कैन बी सजेस्टेड इफ एएफआई इज अबव 5 cm, 25 cm, 20 cm या 30 cm। बताइए यदि आपकी एएफआई कितने सेंटीमीटर से ऊपर जाने पे पॉलीहाइड्रोएमनियोस आपको देखने को मिल सकता है, बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सोच समझ के आंसर देने वाला क्वेश्चन है भैया। चलिए बिल्कुल, निखिल जी को कॉल करने दीजिए, उनको कोर्स परचेज करना है, ठीक है ना। चलिए सी आंसर आ रहा है मेरे पास, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, ठीक है। बी और सी में मिक्स आंसर आ रहा है भैया, दुर्गा जी सी बोल रही हैं, बाकी सभी का आंसर बी आ रहा है, 25 cm। एएफआई का मतलब क्या होता है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है ना। ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहलाती है। और यदि आपकी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितने सेंटीमीटर से ऊपर है, 25 सेंटीमीटर से, ठीक है ना। ज्यादातर सभी लोगों का आंसर सही था। यदि आपकी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो आपके क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस को सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। नॉर्मल कितनी होती है आपकी एएफआई, 5 से 25 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है, 5 से 25 सेंटीमीटर। 5 से कम जा रही है, बिलो 5 सेंटीमीटर जा रही है तो वो कहलाएगी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, क्या कहलाएगी, ओलिगोहाइड्रो एमनियोस। और 25 सेंटीमीटर से ऊपर जा रही है तो आपकी क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है ना। क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। राइट आंसर क्या है, 25 नॉर्मल, 5 से 25, 25 से ऊपर जाते ही पॉली और 5 से नीचे जाते ही आपकी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है ना। देखिए मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आप सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास से वो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास का फायदा उठा पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज एमनियोन, कोरियोन, कोटाइलिडॉन या योक सैक, बताइए। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, प्लेसेंटा की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी कहलाती है आपकी, ए एमनियोन, बी कोरियोन, सी कोटाइलिडॉन या डी योक सैक, बताइए। चलिए आंसर आने लग गए मेरे पास, आंसर आने लग गए हैं, ए और बी में मिक्स आंसर दे रहे हैं भैया आप, कुछ लोग ए बोल रहे हैं एमनियोन तो कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक एक आंसर पे रुकिए भैया, एक आंसर पे रुक जाइए कि एक आंसर आपका फिक्स होना चाहिए, या तो एमनियोन या कोरियोन। और राइट आंसर इसका क्या है आपका, बिल्कुल जितने लोगों ने भी बी कमेंट किया है, बी को लॉक करवाया है, जैसे कि आपकी सोनाली जी, ठीक है ना, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी कोरियोन आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। प्लेसेंटा की दो ही मेम्ब्रेन होती है, ए फॉर एमनियोन और बी फॉर कोरियोन, ठीक है ना। एमनियोन आपकी इनर, कोरियोन आउटर, ठीक है ना, ए सी, ठीक है ना। ए सी लग जाता है किसके अंदर, आपके यूट्रस के अंदर, और बिल्कुल ऐसे ठंडी ठंडी हवा आती है, ठीक है ना। एमनियोन और कोरियोन, एमनियोन इनर, कोरियोन आपकी आउटर। अगला क्वेश्चन, प्लेसेंटा विच इज अटैच टू द यूट्रस मॉर्बिडली इज नोन एज प्लेसेंटा एक्रेटा,
प्लेसेंटा सक्सेंटोरिएटा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा या बैटल डोर प्लेसेंटा। अब जो लोग मेरी क्लास रेगुलर देखते हैं, डेली शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वो बिना किसी झिझक के इसका राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। वो बिना किसी झिझक के इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे, जितने भी लोग डेली क्लास से जुड़ते हैं। बताइए, जो प्लेसेंटा मॉर्बिडली अटैच हो जाती है, मॉर्बिडली यूट्रस से अटैच हो जाती है, उसको क्या कहेंगे हम, बताइए। प्लेसेंटा एक्रेटा, सक्सेंटूरिएटा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा या बैटल डोर प्लेसेंटा। अमित जी अभी भी बी आंसर दे रहे हैं, चलिए बताइए और बोलिए। ए और बी में मिक्स आंसर आ रहा है भैया, ए और बी में मिक्स आंसर आ रहा है। राइट आंसर लॉक करके बताइए, ए को लॉक करना है या बी को, ए को लॉक करना है या बी को। चलिए राइट आंसर इसका क्या है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का आंसर ए हो चुका है और 100% रूप से इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए प्लेसेंटा एक्रेटा। अरे प्लेसेंटा एक्रेटा के अंदर क्या होता है, जो आपकी प्लेसेंटा है वो नॉर्मली कहां तक जाती है, नॉर्मली जो जाएगी वो आपकी डेसीडुआ से अटैच होगी, किससे अटैच होगी, डेसीडुआ से, ठीक है ना। लेकिन प्लेसेंटा एक्रेटा में कहां चल जाती है, ये आपकी मायोमेट्रियम तक, कहां तक चल जाती है, मायोमेट्रियम तक, ठीक है ना। और मायोमेट्रियम तक चली गई तो इसका मतलब क्या है, मॉर्बिडिटी हो गई, यानी कि कोई ना कोई डिजीज हो गई। ये एक तरह की नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक डिजीज कंडीशन है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा एक्रेटा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने काफी अच्छा आंसर दिया और काफी बढ़िया आंसर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यूडेंडम कंसिस्ट ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, वेजाइना यूट्रस एंड ओवरी, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड क्लिटोरिस। बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन आया है कि जो आपका प्यूडेंडम होता है, जो आपकी प्यूडेंडम होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, वेजाइना यूट्रस एंड ओवरी, या फिर लेबिया मेजोरा माइनोरा मॉन्स प्यूबिस एंड क्लिटोरिस। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट कीजिए भैया, धमाधम कमेंट आने चाहिए। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। बताइए, डी आंसर आ रहा है मेरे पास। सोनाली जी अभी भी सोच विचार कर रही हैं कि डी आंसर होगा या नहीं होगा। निखिल जी को आंसर नहीं पता, कोई बात नहीं निखिल जी, आंसर हम बताएंगे। बाकी सभी ने बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर दिया है। क्या कहलाती है आपकी, लेबिया मेजोरा माइनोरा मॉन्स प्यूबिस एंड क्लिटोरिस। इसको क्या बोलते हैं हम, प्यूडेंडम या वल्वा, क्या बोल देते हैं, प्यूडेंडम या वल्वा जो होती है आपकी, वो किस किस से मिलकर बनी होती है, लेबिया सॉरी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या था आपका, बिल्कुल आपका डी था। प्यूडेंडम बोलिए, वल्वा बोलिए या एक्सटर्नल जेनाइटला बोल दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच वीक डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा हैज बीन कंप्लीटेड, 16 वीक, 12 वीक, 8 वीक या 20 वीक। बताइए, बाय विच वीक डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा हैज बीन कंप्लीटेड, 16 वीक, 12 वीक, 8 वीक या 20 वीक। काफी सोच समझ के आंसर देना भैया, कहीं आपको लगे कि आंसर तो मेरे को पता है, आंसर तो मेरे को बिल्कुल सही पता है, और पता चले लास्ट में सर बोले कि बोले आपका आंसर गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिए। 12 वीक बोल रहे हैं आप सब लोग, 12 वीक बोल रहे हैं, क्या 12 वीक इसका राइट आंसर है, बी को हम लॉक कर सकते हैं क्या भैया, बिल्कुल। हंसराज मीना ने जी बोल दिया, सर 12 को लॉक कर दो, ठीक है ना, 12 तारीख को नहीं, ऑप्शन 12 वीक को। और राइट आंसर भी क्या है आपका, 12 वीक के ऊपर जो आपकी प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से डेवलप होके अपना काम करने लग जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह से इस क्वेश्चन को यदि हम थोड़ा सा घुमा दे, ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा दे कि जो आपकी प्लेसेंटा है, ठीक है ना,
प्लेसेंटा वर्क एट प्लेसेंटा, एक मिनट रुको, जो आपकी प्लेसेंटा है वो वर्क एट विच, ठीक है ना, एक्सेप्ट, क्या कर दिया हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, प्लेसेंटा वर्क एट विच एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये सारा कटा दो। और अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लेसेंटा वर्क एट विच एक्सेप्ट, अब बताइए अगला क्वेश्चन, इसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग, चलिए बहुत बढ़िया, प्लेसेंटा वर्क एट विच एक्सेप्ट, चलिए सी आंसर आ रहा है मेरे पास, बहुत बढ़िया। सोनाली जी बी डी भी बोल रही हैं, अरे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा अब आपका, 8 वीक, क्योंकि 12 वीक पे वो अपना काम करना चालू कर देती है, तो 16 वीक पे भी करेगी और 20 वीक पे भी करेगी, जबकि 8 वीक पे वो अपना काम नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हो सकता है एक क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन की तरह मत देखा कीजिए, ठीक है ना, उसके अंदर से और भी 4-5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही आए, हो सकता है आपको इसी क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी सीन इन फीमेल जेनिटल आफ्टर मेनोपॉज, यूट्रस बिकम स्मॉलर, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, एट्रोफी ऑफ ओवरीज, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि आफ्टर मेनोपॉज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी सीन इन फीमेल जेनिटला, ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों के सामने बिल्कुल, यूट्रस बिकम स्मॉलर, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, एट्रोफी ऑफ ओवरीज, या डी ऑल ऑफ द अबव, चलिए बहुत बढ़िया, डी आंसर आ रहा है मेरे पास आप लोगों की तरफ से, आंसर डी आ रहा है। और कमेंट कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। विपिन कुमार जी अलग से नहीं दुनिया में से निकल के आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं एट्रोफी ऑफ ओवरीज, अरे भैया इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल दीपशिखा जी, ऑल ऑफ द अबव को हम लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है इसका आपका, ऑल ऑफ द अबव, मेनोपॉज के बाद आपका यूट्रस का साइज भी कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, वेजाइना भी कैसी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और एट्रोफी ऑफ ओवरीज भी आपको देखने को मिलेगी, जो ओवरीज का साइज है वो भी कैसा हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल राम राम सौरभ कुमार जी आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा इज 300 ml, 400 ml, 500 ml, या 1000 ml, बताइए। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आज आपके हाथ धो के पीछे पड़ गई है, ठीक है ना, कि बोले मैं तो आज अपने सारे टॉपिक क्लियर करके ही जाऊंगी, ठीक है ना, तो उसके सारे टॉपिक क्लियर कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू दी प्लेसेंटा कितना होता है आपका, चलिए बहुत बढ़िया, सी आंसर आ रहा है मेरे पास, सौ कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, बाकी ज्यादातर आंसर सी आ रहा है हमारे पास, 500 ml, और राइट आंसर भी क्या है आपका, 500 ml ही है, ठीक है ना। 500 ml कितना होता है आपका, नॉर्मल आपका पर मिनट प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो होता है, और जो आपका इसी तरह से और क्या होता है, 500 ml आपका नॉर्मल ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग इन लेबर, ठीक है ना, लेबर में जो आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग भी होती है वो भी कितनी होती है, 500 ml नॉर्मल लेबर के अंदर, जबकि सिजेरियन सेक्शन के अंदर नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी होगी, 1000 ml, सिजेरियन सेक्शन के अंदर नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी होती है,
1000 ml, और आपका प्लेसेंटा का वेट भी कितना होता है, प्लेसेंटा का वेट भी कितना होता है आपका 500 ग्राम, ठीक है ना। नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट भी कितना होता है, 500 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 3-4 क्वेश्चन निकल के आ गए आपके सामने, कोई भी पूछ ले। नॉर्मल लेबर में, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कितना ब्लड लॉस होता है नॉर्मली, 500 ml, सिजेरियन सेक्शन के अंदर 1000 ml, और नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा 500 ग्राम, और प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो पर मिनट आपका 500 ml, ठीक है ना। तो सभी लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नर्स इज असेसिंग ए मदर ड्यूरिंग लेबर एंड सी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बिफोर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इन थर्ड स्टेज, शी शुड डॉक्यूमेंट दिस एज प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, ट्रू पीपीएच या थर्ड स्टेज पीपीएच। अरे किसी को पटका पटकी मत करो भैया, ये हमारा कमेंट सेक्शन है, इसको साफ सुथरा रहने दो। ये पटका पटकी आनी चलेगी, नहीं तो टाटा गुड बाय गया हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कमेंट आने लग गए हैं, बी ए सी बी सारे ही आंसर दे दो, डी को क्यों छोड़ रहे हो फिर। अरे डी को क्यों छोड़ रहे हो, डी भी बोल दो, ठीक है ना। राइट आंसर कमेंट कीजिए भैया, राइट आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा पीपीएच कहलाएगा, ये प्राइमरी कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा, ट्रू पीपीएच कहलाएगा या थर्ड स्टेज पीपीएच कहलाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर आंसर मेरे पास ए बी और सी तीनों ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, दिव्या नागर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भैया, दिव्या जी के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले और पूरे आप सबसे हटकर राइट आंसर दिया है। और राइट आंसर क्या है इसका, आपका थर्ड स्टेज पीपीएच, ठीक है ना। थर्ड स्टेज पीपीएच में आपका क्या होता है, आपका प्लेसेंटा के सेपरेट होने से पहले ही, प्लेसेंटा के सेपरेट होने से पहले ही प्रोफ्यूज ब्लीडिंग या पीपीएच चालू हो जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है इसका, थर्ड स्टेज पीपीएच, ठीक है ना। किस तरह से देखिए, आपका जो प्राइमरी पीपीएच होता है ना, वो होता है कि यदि आपकी डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर अंदर, डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर अंदर यदि आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो वो प्राइमरी पीपीएच कहलाएगी। और प्राइमरी पीपीएच दो तरह का हो सकता है, थर्ड स्टेज और ट्रू पीपीएच, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो आपका बिफोर द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, जबकि ट्रू पीपीएच में क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा निकलेगी, सब्सिक्वेंटली टू एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्राइमरी नहीं, मोस्ट कॉमन कौन सा पीपीएच होता है आपका, मोस्ट कॉमन पीपीएच कौन सा होता है आपका, ट्रू पीपीएच होता है, ठीक है ना। जैसे ही प्लेसेंटा निकलेगी वैसे ही ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, जबकि जो सेकेंडरी पीपीएच होता है वो कब होता है आपका, आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक, यानी कि 24 घंटे के बाद पूरे प्योरपेरियम पीरियड में कभी भी यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपकी सेकेंडरी पीपीएच कहलाती है, ठीक है ना। और 24 घंटे के अंदर अंदर हो रही है तो ट्रू पीपीएच, और ये भी दो तरह का होता है, थर्ड और ट्रू पीपीएच, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 20% to 50% ऑफ प्लेसेंटा इज डिटैच्ड फ्रॉम यूट्रस ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड जीरो, ग्रेड थर्ड। बताइए यदि 20% to 50% आपकी क्या हो रही है, प्लेसेंटा किससे हो रही है, डिटैच हो रही है यूट्रस से, तो ये कौन सा एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहलाएगा, कौन सा एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहलाएगा, बताइए।
चलिए ए आंसर आ रहा है, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, एक बार फिर से समझा दीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि आपकी जो नॉर्मली प्लेसेंटा है वो यूट्रस से अटैच रहती है, ठीक है ना, और यही प्लेसेंटा क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, यूट्रस से हट जाए, ठीक है ना। तो और कितनी हटे, 22-50%, तो ये आपका क्या कहलाता है, कौन सा एब्रप्सियो प्लेसेंटा होगा। चलिए ए आंसर आ रहा है आप सभी की तरफ से, बहुत बढ़िया, ग्रेड टू को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल हम ग्रेड टू को लॉक कर देंगे। और राइट आंसर भी क्या है इसका, आपका ग्रेड टू प्लेसेंटा, सॉरी एब्रप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है ना। कौन सी एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहलाएगी, ग्रेड सेकंड। किस तरह से, देखिए यदि आपकी कितनी हो रही है, 22-50% हो रही है, तो वो आपकी ग्रेड सेकंड कहलाती है, जबकि यदि 10-20% हो रही है तो ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड जीरो में बिल्कुल भी डिटैच नहीं होगी, जरा सी भी डिटैच नहीं होती, ठीक है ना। और ग्रेड थर्ड में होती है आपकी मोर देन 50%, ठीक है ना। और यदि आराध्या जी आपको किसी भी तरह की क्लास से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप फटाफट से जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है ना। फटाफट से जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है वो बिल्कुल हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्लास फिनिश नहीं हुई है अंजना जी, क्लास चलेगी आज, मैराथन क्लास है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is effect of increased blood sugar over pregnancy? Except polyhydramnios, preterm labor, macrosomia या hyperglycemia in newborn? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, हंसराज जी ने अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए हंसराज जी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड शुगर ओवर प्रेगनेंसी एक्सेप्ट पॉलीहाइड्रोएमनियोज, प्रीटर्म लेबर, मैक्रोसोमिया या हाइपरग्लाइसीमिया इन न्यूबॉर्न। ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को और कमेंट कीजिएगा कि राइट आंसर क्या हो गया। चलिए डी बोल रहे हैं कुछ लोग, सी भी बोल रहे हैं कि मैक्रोसोमिया होगा सर, राइट आंसर दीजिए। नवीन जी अभी भी सी पे लगे हुए हैं, प्रशांत जी भी सी बोल रहे हैं, ठीक है। और बताइए बाकी सभी का, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, सीमा जी का आंसर बी आ रहा है, प्रीटर्म लेबर। अरे भैया जो आपका इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल का मतलब क्या हो गया, आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस, क्या मतलब हो गया कि भाई मदर को डायबिटीज मलाइटस है, और यदि कभी भी मदर को डायबिटीज मलाइटस होगा तो बच्चे में कभी भी हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल जैसा कि सीमा जी ने बोल दिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है आपका, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ना कि हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है ना। बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ना कि हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका आपका डी हो गया, क्या हो गया, डी, हाइपर ग्लाइसीमिया इन न्यूबॉर्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Identify the instrument. इस instrument को identify कीजिए भैया, बताइए ये जो instrument है वो क्या कहलाता है आपका, एलिस फोर्सेप कहलाती है, आर्टरी फोर्सेप है, सर्जिकल सीजर्स है या एपिस्टियोटॉमी सीजर्स है। जरा सा भी दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दोगे, बताओ। Identify the instrument. कौन सा instrument है ये, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन कर देता हूं, यहां से आउटलाइन कर देता हूं, यहीं से ही समझ लो। बताओ ये जो आपकी सीजर है या जो इंस्ट्रूमेंट है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने राइट आंसर दे दिया, ये क्या कहलाती है आपकी, एपिसियोटॉमी सीजर कहलाती है। कौन सी सीजर कहलाती है आपकी, एपिसियोटॉमी सीजर कहलाती है, ठीक है ना। ये जो एपिसियोटॉमी की जाती है ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर उसमें काम आती है, और ये एपिसियोटॉमी करने के काम में आती है। सीजर्स नहीं है भैया, जागृति जी
सीजर मत बोलना, सीजर है ये, ठीक है ना। सीजर्स का मतलब तो आपके मिर्गी का दौरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिले द प्रीटर्म लेबर बाय रिलैक्सिंग द यूट्रस। ओपोइड एनाल्जेसिक, एर्गोट डेरिवेटिव्स, टोकोलाइटिक एजेंट या ऑक्सीटोसिन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिले द प्री टर्म लेबर बाय रिलैक्सिंग द यूट्रस। प्री टर्म लेबर में यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए किसको यूज करोगे? ओपोइड एनाल्जेसिक को, एर्गोट डेरिवेटिव्स को, टोकोलाइटिक एजेंट्स को या ऑक्सीटोसिन को? बताइए। चलिए सोनाली जी बोल रहे हैं सर डी होगा ऑक्सीटोसिन, केके जी बोल रहे हैं सी, शिल्पी जी का डी आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ज्यादा आंसर आ रहा है भैया मेरे पास, डी आंसर ज्यादा आ रहा है, जबकि एलसी और अमित जी सी बोल रहे हैं, ठीक है। और बताइए, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, कमेंट कीजिए। और राइट आंसर इसका क्या है आपका? बहुत बढ़िया है, डी। जितने भी लोग बोल रहे हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, ठीक है ना। डी जितने भी लोग बोल रहे हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और तालियां क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो सारे के सारे गलत है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है इसका आपका? टोकोलाइटिक एजेंट, ठीक है ना, टोकोलाइटिक एजेंट। अरे ऑक्सीटोसिन तो नालायकों हजार बार पढ़ा होगा, ऑक्सीटोसिन किस में यूज में लिया जाता है? इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को क्या करने के लिए? आपका जल्दी करने के लिए, लेबर की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है आपका? ऑक्सीटोसिन का यूज लिया जाता है, ठीक है ना। जबकि और यदि आपको लेबर को डिले करना है, लेबर को बढ़ाना है, तो आप टोकोलाइटिक एजेंट्स का यूज में लेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन और एर्गोट डेरिवेटिव्स दोनों क्या करते हैं आपके? इंडक्शन ऑफ लेबर करवाते हैं, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जबकि यूट्रस को रिलैक्स कौन करवाएगा आपका? टोकोलाइटिक एजेंट्स। जबकि ओपोइड एनाल्जेसिक आपकी की जाती क्या, क्यों दी जाती है? यदि प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है, प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए, ठीक है ना, जो लेबर के टाइम पे पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए आपकी ओपोइड एनाल्जेसिक दी जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अमित जी आपका बहुत 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 प्रभावित हुआ हूँ आपसे, कुछ आप सब लोग भी कुछ ना कुछ सीखे अमित जी से कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वजाइनाटिस, ट्रेपोनिमा प्लेनिडियम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या निजेरिया गोनोरिया। बताइए, पहले भी पूछा गया है इसी तरह का आपसे क्वेश्चन कि कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है ना, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वजाइनाइटिस, ट्रेपोनिमा पेलिडियम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या आपका निजेरिया गोनोरिया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सी आंसर आ रहा है मेरे पास आप लोगों की तरफ से। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। और राइट आंसर इसका क्या है आपका? सी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो आपका एचपीवी होता है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी, ये आपका क्या करवाता है? कैंसर ऑफ सर्विक्स कॉज करवा सकता है, ठीक है ना। सर्वाइकल कैंसर किसकी वजह से हो सकता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर एन नलीपेरस वुमेन, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बैरियर मेथड, एब्स्टिनेंस या कंबाइंड ओरल पिल्स। बताइए। अगला क्वेश्चन आ चुका है और काफी विचारणीय क्वेश्चन है, कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन और आया था और आप सभी लोगों ने खुद तो कंफ्यूज हुए ही थे और मेरे को भी कंफ्यूज किया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर एन नल्ली पेरस वुमेन, नल्ली पेरस वुमेन। चलिए डी आंसर आ रहा है, गुड़िया जी अभी भी बी बोल रही हैं, रामदेव जी हमारे रामदेव बाबा ए बोल रहे हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस,
अरे भैया क्या होता है आपका, यदि कोई वुमेन नल्ली पैरस है, कैसी है, नल्ली पैरस है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है आपका कंबाइंड ओरल पिल्स। कौन सा मेथड होता है बेस्ट, कंबाइंड ओरल पिल्स या फिर आपकी नॉन लैक्टेटिंग मदर के लिए, किसके लिए, नॉन लैक्टेटिंग मदर के लिए, ठीक है ना। भी कौन सा बेस्ट मेथड होता है आपका, कंबाइंड ओरल पिल्स, ठीक है ना। इसी तरह से कल भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था किसके लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया था कि यदि बेस्ट मेथड पूछ ले लैक्टेटिंग मदर के लिए तो आपका जवाब क्या जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा बैरियर मेथड ही होगी। क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी बैरियर मेथड, सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, आईयूडी, ठीक है ना, और थर्ड प्रायोरिटी पे आती है आपकी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ठीक है ना। और यदि कोई पूछ ले पिल ऑफ चॉइस, क्या पूछ लिया जाए आपसे, पिल ऑफ चॉइस फॉर लैक्टेटिंग मदर, तो फिर आप प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यदि कभी भी बेस्ट मेथड पूछ लिया जाए किसी भी लैक्टेटिंग मदर के लिए तो बैरियर मेथड, सेकंड नंबर पे इंट्रायूटराइन डिवाइस आएंगे और थर्ड नंबर पे आपकी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आएगी, ठीक है ना। तो अपने नॉलेज को अपडेट कर लीजिएगा कि राइट आंसर आपका क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के पे मूव ऑन करें, इस क्वेश्चन का क्लियर हो चुका हो आप लोगों को, तो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंडरी एमिनोरिया इज फेलियर ऑफ मेंसेस टू अकर बाय एज ऑफ 16, हैड मेंस्ट्रुअल पीरियड बट स्टॉप फॉर 6 और मोर मंथ्स, इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड या एबनॉर्मली हाई ब्लड फ्लो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, बताइए। सेकेंडरी एमिनोरिया इज, सेकेंडरी एमिनोरिया आपका क्या कहलाएगा, फेलियर ऑफ मेंसेस टू अकर बाय एज ऑफ 16, हैड मेंस्ट्रुअल पीरियड बट स्टॉप फॉर 6 और मोर मंथ्स, इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड या एबनॉर्मल हाई ब्लड फ्लो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। वंदना जी बोल रही हैं सर सी होगा, पंकज जी डी बोल रहे हैं, सोनाली जी भी सी बोल रहे हैं। सी और डी में कंफ्यूज आंसर आ रहा है भैया, क्वेश्चन को तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम लेना है तो टाइम भी लो, लेकिन आंसर बिल्कुल राइट कमेंट करो, ठीक है ना। गोल्डन मनीष जी बोल रहे हैं आपके बी होगा राइट आंसर, निशी सिंह जी भी बी बोल रहे हैं, अमित जी कहाँ गए भैया, अमित जी आपका कमेंट नहीं आया अभी तक, सीमा जी का भी बी आंसर आ रहा है। चलिए हंसराज जी बोल रहे हैं सर बी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका आपके लिए, बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या है आपका, बी, जो आपका बी है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। सेकेंडरी एमिनोरिया का मतलब क्या होता है कि एक बार तो आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो गए लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 या उससे ज्यादा महीने के लिए, 6 या उससे ज्यादा महीने के लिए आपको यदि मेंस्ट्रुअल नहीं आ पाता है, मेंसेस नहीं आ पाती है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी एमिनोरिया कहलाएगा। जबकि प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब क्या होता है, जो आपका ऑप्शन ए है ना, वो है आपका प्राइमरी एमिनोरिया, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है, फेलियर ऑफ मेंसेस टू अकर बाय एज ऑफ 16, ये आपका प्राइमरी एमिनोरिया कहलाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया केके जी, फर्स्ट वाला आपका प्राइमरी है और सेकंड वाला सेकेंडरी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैन बी डन बाय यूट्रो अल्ट्रासोनोग्राफी, पैप स्मियर, एचपीवी वैक्सीन या कॉल्पोस्कोपी, और एक का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, कमेंट सेक्शन को रॉकेट बना दो सभी लोग धमाधम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कमेंट सेक्शन उड़ जाए, यूट्यूब का सर्वर उड़ जाए, लेकिन आपका आंसर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपका एक का भी आंसर रुकना नहीं चाहिए। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया,
झड़ी लगा दो कमेंट की, यदि बी आंसर सही है तो बी की झड़ी लग जानी चाहिए, बिल्कुल मेरे को दिखना नहीं चाहिए कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है ना। इतने कमेंट करो, इतने कमेंट करो कि यूट्यूब धुआं धुआं हो जाए, ठीक है ना। इतनी गोली मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा, तो इतने कमेंट करो कि कमेंट सेक्शन धुआं धुआं हो जाए, ठीक है ना। तो धुआं धुआं उड़ा दिया सबने, ट्रेन चला दी, धुआं धुआं उड़ा दिया, रॉकेट उड़ा दिया, रफाल उड़ा दिया, और राइट आंसर भी दे दिया, क्या है आपका, पैप स्मियर, ठीक है ना। क्या होता है आपका, पैप स्मियर, ठीक है ना। राइट आंसर आपका बिल्कुल सभी लोगों का सही है, पैप स्मियर। जबकि आपका कॉल्पोस्कोपी का मतलब क्या होता है, आपका एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स क्या कहलाता है, आपका कॉल्पोस्कोपी कहलाता है, ठीक है ना। यदि सर्विक्स का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, सर्विक्स का एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो वो आपकी कॉल्पोस्कोपी कहलाती है, ठीक है ना। जबकि पैप स्मियर से आप क्या कर सकते हैं, आप सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 2 to 3 मिनट, 3 to 4 मिनट, 4 to 5 मिनट या 5 to 6 मिनट। ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कितनी होती है या हाफ टाइम ऑफ ऑक्सीटोसिन कितना होता है, हाफ लाइफ ऑफ ऑक्सीटोसिन या हाफ टाइम ऑफ ऑक्सीटोसिन कितना होता है भैया, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट या 5 से 6 मिनट। कमेंट कीजिए सभी लोग फटाफट से, राइट आंसर आना चाहिए सभी का, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6। कुछ लोग बी बोल रहे हैं तो कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, भैया बी और डी में मिक्स आंसर आ रहा है। रूबी जी सी बोल रही हैं, ठीक है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या है आपका, बिल्कुल जिन लोगों का भी आंसर बी है उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, और इस बार जोरदार तालियां क्यों, क्योंकि उनका आंसर गलत नहीं है, अब की बार उनका आंसर सही है कि 3 to 4 मिनट, ठीक है ना। 3 to 4 मिनट आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कहलाती है या ऑक्सीटोसिन का हाफ टाइम कहलाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल सही क्वेश्चन सही करके आइएगा, 3 to 4 मिनट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रेक्टिकल पेरिनियम, फोर्चिटे, वेस्टिब्यूल्स या मॉन्स प्यूबिस, बताइए। स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम, जो आपकी वेजाइना होती है और जो आपका रेक्टम होता है, ठीक है ना। देखिए यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए ये आपकी वेजाइना है और इस जगह पे आपका रेक्टम है, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो स्पेस है ये क्या कहलाएगा आपका, बताइए। जो आपकी वेजाइना है और नीचे की तरफ आपका जो एनल है, जो आपका रेक्टम है, ठीक है ना, उसके बीच का स्पेस क्या कहलाता है, बताइए। चलिए ए आंसर आ रहा है मेरे पास आप लोगों की तरफ से, ए आंसर आ रहा है, ठीक है, बताइए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, बाबा रामदेवी जी हमारी बी बोल रही हैं, ठीक है ना। तो जो इनको राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होता है आपका, ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम, क्या कहलाता है ये स्पेस, आपका ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम कहलाता है, और ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम में ही आपकी क्या की जाती है, एपिसियोटॉमी की जाती है, ठीक है ना। एपिसियोटॉमी कहाँ की जाती है आपकी, ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम के अंदर, जबकि आपका जो लेबिया माइनोरा होता है, ठीक है ना, जो आपकी लेबिया माइनोरा होती है ना अंदर की तरफ,
ये जो लेबिया माइनोरा है उसके जस्ट नीचे वाला ये जो स्पेस होता है, इसके जस्ट नीचे वाला जो स्पेस होता है ये आपका क्या कहलाता है, फोर चिटे, ठीक है ना। फोर चिटे कौन सा होता है, लेबिया माइनोरा के जस्ट नीचे वाला स्पेस, जबकि जो आपकी वेजाइना और रेक्टम के बीच का जो स्पेस है वो आपका ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम कहलाता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा फोर चिटे क्या होता है और ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवानी जी बोल रही है कि हंसराज भैया मैंने ए देखा फिर आपका कॉपी पेस्ट कर दिया था। बहुत बढ़िया शिवानी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई इस कमेंट के लिए, तो उन्होंने अपनी ईमानदारी अपने साथ रखी, ठीक है ना। उनको ईमानदारी में 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने बता दिया कि बोले बोले सर मैंने तो किसका, हंसराज जी का देख के अपना कमेंट चेंज कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। कई बार आप लोग भी कैसी कैसी बात करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर ऑफ यूट्रस इज नोन एज ट्यूबल ऑस्टिया, एम्पुला ऑफ वेटर, कॉर्नू या बोथ ए एंड सी। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से देखना और बिल्कुल तरीके से जवाब देना, ठीक है ना, तरीके से सोच समझ के जवाब देना अच्छे से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पेसमेकर ऑफ यूट्रस पेसमेकर ऑफ यूट्रस कौन सा कहलाता है आपका, ट्यूबल ऑस्टिया, एम्पुला ऑफ वेटर, कॉर्नू या बोथ ए एंड सी। चलिए मिक्स आंसर आ रहा है भैया, कुछ ए सी और डी में मिक्स आंसर आ रहा है मेरे पास। एक कमेंट कीजिए सभी लोग, सभी लोग एक कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या हो सकता है। अमित जी का कमेंट नहीं आया अभी तक, अमित जी कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया आ गया कमेंट, अमित जी ने बोल दिया जब डी तो राइट आंसर भी आपका क्या होगा, बिल्कुल बोथ ए एंड सी, ठीक है ना। कई बार यदि मैं भी कुछ भूल जाऊं ना, मैं भी कोई गलती कर दूं क्लास में, तो अमित जी से संपर्क कर लेना, वो मेरी गलतियों को भी सही कर देंगे, क्योंकि इतना कंसिस्टेंटली राइट आंसर देते हुए मैंने किसी स्टूडेंट को आज तक नहीं देखा, ठीक है ना। तो अमित जी से संपर्क बना के रखिए भैया सभी लोग, बहुत काम के व्यक्ति हैं ये। तो राइट आंसर क्या है आपका, ट्यूबल ऑस्टिया या कॉर्नू, ठीक है ना। देखिए किस तरह से ये जो आपका यूट्रस होता है ना, ये जो आपका यूट्रस होता है इसके जो फेलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट होता है, ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट होता है ये आपका क्या कहलाता है, ट्यूबल ऑस्टिया या इसका दूसरा नाम कॉर्नू भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं, कॉर्नू, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है आपका, ट्यूबल ऑस्टिया या कॉर्नू, क्योंकि यही वो जगह होती है, यही वो जगह होती है जहां से आपके जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। कॉर्नू से या ट्यूबल ऑस्टिया से ही आपके जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होते हैं, इस वजह से इसको पेसमेकर ऑफ योर यूट्रस भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन बी कॉज ऑफ हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन या नन ऑफ दी अबव। बताइए हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी का, हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी का मेन कारण क्या होता है आपका, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सी फॉर इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड डी नन ऑफ दी अबव। बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया कमेंट करते जाइए आंसर। चलिए ए बी सी सारे ही आंसर आ रहे हैं मेरे पास। एल सी यादव जी सी बोल रहे हैं, प्रशांत दुबे जी आपके बी बोल रहे हैं, ठीक है। सौम्या जी का सी सी आंसर आ रहा है, जबकि ठाकुर साहब ए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठाकुर तो गियो, ठीक है ना, ठाकुर कोड़ी को नहीं गियो,
ठाकुर जी को आंसर सही है, और ठाकुर जी ने जब बोल दियो कि आपको आंसर सही है तो थारो आंसर भी सही कहीं हो लोग, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन। कहीं से सही आंसर? बिल्कुल इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, ठीक है ना। अरे अमित जी के पीछे मत पढ़ो, हम तो टीचर हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, आप लोग अपनी लिमिट में रहिएगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है? इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, ये आपका हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी का कारण होता है। अरे जो आपकी प्यूबर्टी होती है ना, वो तीन तरह की हो सकती है, नॉर्मल, प्रीमैच्योर और पोस्ट मैच्योर, ठीक है ना। प्रीमैच्योर, नॉर्मल और पोस्ट मैच्योर, ठीक है ना। पोस्ट मैच्योर तीन तरह की प्यूबर्टी होती है। जो नॉर्मल प्यूबर्टी में आपका क्या होता है, जो आपकी मेंसेस हैं वो आपकी 16 साल के पहले 16 साल तक आ जाती है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है ना वो फीमेल के अंदर 16 साल तक आ जाएगा। जबकि प्री मैच्योर में क्या होगा, बिफोर 16 ईयर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिफोर 16 ईयर। अब प्री मैच्योर प्यूबर्टी के आपके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो हेट्रोसेक्सुअल हो सकती है, या फिर वो कैसी हो सकती है, आइसोसेक्सुअल, ठीक है ना। दो तरह से हो सकती है, हेट्रोसेक्सुअल और आइसोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल का मैं बता चुका हूँ, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, जबकि आइसोसेक्सुअल होती है आपकी इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है ना। हाइट्रोसेक्सुअल किस आइसोसेक्सुअल किस वजह से होती है आपकी, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आपको पता चल चुकी है। यदि प्री टर्म प्यूबर्टी आ रही है, प्री मैच्योर प्यूबर्टी है, तो दो तरह की, आइसोसेक्सुअल एस्ट्रोजन की वजह से, हाइट्रोसेक्सुअल एंड्रोजन की वजह से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉन्स्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, गलत मत बताना, ब्लीडिंग, ल्यूटियल, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव। एक बार फिर से आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आया है कि जिसका गलत आंसर कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मस्त है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इसका सही आंसर देना है, और एक ने भी गलत आंसर दिया तो वो क्लास छोड़ के भग जाना भैया, ठीक है ना। एक का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बताइए मोस्ट कॉन्स्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत बढ़िया। संदीप जी सी बोल रहे हैं, ठीक है ना। सौम्या जी डी बोल रही हैं। पूजा जी को चुप कर दिया जा रहा है शिवानी जी के द्वारा, ठीक है पूजा जी चुप हो जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों की तरफ से कंसिस्टेंटली राइट आंसर आ रहा है मेरे पास, और राइट आंसर आपका क्या है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपकी बी फोर ल्यूटियल फेज। जो आपकी ल्यूटियल फेज होती है ना, ये आपकी मोस्ट कॉन्स्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसी रहती है आपकी, फिक्स रहती है। और कितनी रहती है इसकी, 14 डेज, ना तो ये 14 दिन से कम होगी, ना ये 14 दिन से ज्यादा जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है आपका, मोस्ट कॉन्स्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। चलिए आगे मूव ऑन करेंगे हम। इफ ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लेस देन 2 डेज, इट शुड बी बेटर टर्म्ड एज हाइपरमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। बताइए यदि ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी हो जाए आपकी, लेस देन 2 डेज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। देखिए चारों है ना जो एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म्स है, तो इनका आपको सही आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना। चारों एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म्स हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं हो, तो इसका आपको सही आंसर पता होना चाहिए। यदि 2 दिन से कम है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन, या फिर कितना है आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो लेस देन 20 ml हो रही है, कितनी,
टू डेज और लेस देन 20 ml, तो आपकी क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है वो अपने आंसर को सही कीजिएगा। राइट आंसर क्या है इसका? आपका हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दो दिन से भी कम चली है या फिर उसमें 20 ml से भी कम ब्लड का लॉस हुआ है। किस तरह से? देखिए, यदि आपकी जो हाइपरमेनोरिया का मतलब क्या होता है, यदि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 7 दिन से ज्यादा चल रही है, 7 दिन से ज्यादा चल रही है या 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? हाइपरमेनोरिया। जबकि पॉलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस अप टू 21 डेज। देखो, पॉली का मतलब तो होता है ज्यादा, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 28 की जगह 21 दिन की हो जाएगी। जबकि ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंड अप टू 35 डेज। ठीक है ना? तो चारों चीजें आप लोगों को पता चली गई, और इन चारों चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोगों को, जहां पे भी इसको नोट डाउन करके रखना हो। ठीक है ना? हाइपरमेनोरिया का मतलब 7 दिन से ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है या 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है ना? पॉली का मतलब ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस अप टू 21 डेज। हाइपो का मतलब 2 दिन से कम या 20 ml से कम लॉस होना ब्लड का, और ओलिगो का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी पहुंच जाती है, 35 दिन से भी ज्यादा ड्यूरेशन पे आ रही है। और कैसी हो रह रही है? ये कांस्टेंट रह रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई और आपने बोल दिया कि ये ओलिगोमेनोरिया है। ठीक है ना? इसमें भी कांस्टेंट रहना चाहिए और इसके अंदर भी लगातार रहनी चाहिए। ठीक है ना? दोनों के अंदर लगातार यदि बनी हुई है 35 दिन पे या 21 दिन पे, तो ही आपका वो पॉली और ओलिगो मेनोरिया कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच हिस्टेरेक्टोमी यूट्रस बोथ ओवरीज एंड बार्थोलिन ग्लैंड आर रिमूव्ड, सब टोटल, टोटल, पैन या एक्सटेंडेड, बताइए। इन विच हिस्टेरेक्टोमी, आपकी दोनों तो यूट्रस को निकाल देते हैं, बोथ ओवरीज को निकाल दिया जाता है और बार्थोलिन ग्लैंड को भी रिमूव कर दिया जाता है, तो बताइए ये कौन सी हिस्टेरेक्टोमी कहलाएगी? हिस्टेरेक्टोमी के टाइप पूछे गए हैं आपसे, सब टोटल, टोटल, पैन या एक्सटेंडेड। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, फटाफट से कमेंट कीजिए। सोनाली जी बोल रही हैं बी होगा सर, अनु जी भी बी बोल रहे हैं, नितेश, शिवानी, सबका आंसर बी आ रहा है, अतुल जी सी बोल रहे हैं। ठीक है, सबका आंसर मेरे पास बी आ रहा है कि टोटल हिस्टेरेक्टोमी। उसके अंदर क्या किया जाता है आपके, क्या यूट्रस, ओवरी और बार्थोलिन ग्लैंड तीनों को निकाल दिया जाता है? तीनों को निकाल दिया जाता है? नहीं भैया, आपका टोटल हिस्टेरेक्टोमी में नहीं निकलते हैं। किसमें निकलते हैं? पैन हिस्टेरेक्टोमी के अंदर निकाले जाते हैं। जो आपकी पैन हिस्टेरेक्टोमी होती है ना, उसके अंदर आपकी यूट्रस भी निकल जाता है, ओवरीज भी निकल जाती है दोनों, और बार्थोलिन ग्लैंड को भी रिमूव कर दिया जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे नहीं आ जाती है आपकी। ठीक है ना? देखिए किस तरह से, देखिए जो आपकी सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी होती है ना, उसमें तो आपका फंडस और बॉडी ऑफ यूट्रस को निकालते हैं। किस किस को? यूट्रस को और उसके फंडस को, सॉरी, यूट्रस की बॉडी को और उसके फंडस को। ठीक है ना? जबकि टोटल के अंदर क्या निकाल दिया जाता है? आपकी कंप्लीट यूट्रस को निकाल दिया जाता है। जबकि पैन में क्या होता है आपकी, सॉरी, पैन के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, आपकी यूट्रस, बोथ ओवरीज एंड बार्थोलिन ग्लैंड। जबकि एक्सटेंडेड के अंदर क्या होगा, पैन हिस्टेरेक्टोमी प्लस रिमूवल ऑफ अपर 1/3 ऑफ वेजाइना। ठीक है ना? और इसी तरह से आपकी रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी भी होती है, जिसमें एक्सटेंडेड प्लस एडजॉइनिंग लिम्फ नोड्स। ठीक है ना? तो चारों पांचों चीजें पता चल चुकी है आप लोगों को, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना?
आशा करते हैं आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को इसी तरह से और भी अच्छी तैयारी करनी है तो आप फटाफट से जाइए और हमारे टेक्स्ट बुक लाइव के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें अभी हमारा चल रहा है यूपी पीएससी का कोर्स, जिसकी कीमत 1499 रुपये है, ठीक है ना। और यदि कोई सीएचओ स्पेशल कोर्स लेना चाहता है, राजस्थान सीएचओ या किसी भी तरह का सीएचओ, तो उसके लिए आपकी कीमत है 999 रुपीज, ठीक है ना। और जिसको भी अभी फुल कोर्स लेना था वो कृपया करके हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है उससे कांटेक्ट कीजिए, आपकी सारी क्वेरी दूर हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज यदि किसी को चाहिए, टेस्ट सीरीज, तो 4 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। और यूपीपीएससी कोर्स की एक और खासियत है कि इसमें आपको 1499 के अंदर ही कम से कम 7 से 8 टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, कल भी 5 शाम को 5 बजे हमारे साथ।